और इस मीटिंग में आए हुए सारे सफल, मैं शंकर कास्ट एनिहिलेशन मूवमेंट या कैंप के तरफ से आप लोगों के बीच आए हैं। आप हमारा साथी या से हमारा दफ्तर में गए थे, उनके साथ बातचीत हुई और हम लोग कैंप के तरफ से ये समझे कि आज हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण जो लड़ाई भारत के हर राज्य का हर जगह का लोग जो लड़ रहे हैं, मजदूर किसान जो लड़ रहे हैं, पिछड़ी तबके के लोग जो लड़ रहे हैं, वो है कि फैसी बात के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के फैसी बात के खिलाफ, आरएसएस का जो संघी मनुवाद के खिलाफ जो लड़ाई, ये लड़ाई आ जाए कोई एक हिस्से का अपना लड़ाई के रूप से नहीं रह गया। एक जमाना था जब भारत जैसा देश में बीजेपी जैसा ताकत, आरएसएस जैसा ताकत कभी राज कर सकता है ऐसा उम्मीद किसी का नहीं था। हमारे देश एक बहुत बड़ा देश है। ये हमारे पहले यहाँ पे आसाम से आए हुए साथी अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे। एक तरफ आसाम से लेकर के कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, ये जो हमारा देश है उसमें हजारों भाषा के लोग, हजारों संस्कृति के लोग, अपना अपना विचार के लोग एक साथ ये देश का निर्माण में काम किया है, ये देश का स्वतंत्रता लाने में लड़ाई लड़ रहे हैं और ये देश का गठन कर रहे हैं। ऐसे देश में आज जो बीजेपी और आरएसएस जैसा जो शक्ति है जो बोल रहे हैं, हाथरस की जब घटना हुई आप लोगों को याद होगा, स्लोगन हुआ था, आवाज उठा था, जुलूस से आवाज उठा था, एससी एसटी मुद्दा राज, भारत में मनुवाद है हम लोग जानते हैं, लेकिन पहले कोई शासक वर्ग ऐसा बोलने का हिम्मत नहीं की कि हमारे देश के संविधान के जरिए में हम लोग मनुस्मृति को लागू करेंगे। संविधान के अनुसार संविधान के जगह में मनुस्मृति ओबीसी वो मुस्लिम है, उत्पीड़ित जनजाति के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग वो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो बंटवारा करने चाहते हैं उसका साजिश को तोड़ करके, उसका साजिश को फेंक करके अगर हम लोग एक सके एक हो सके तब जाकर के भारत में जो वर्ग संघर्ष तैयार होगा वो वर्ग संघर्ष हमारे देश में अंबेडकर चाहे थे, अंबेडकर उसका सपना देखा था और अंबेडकर जब सूत्र क्रांति का बात किया, सूत्र विप्लव का बात किया वो था भारत वर्ष में मजदूर और क्रांति, मजदूर क्रांति किसान क्रांति जो किसान लोग लड़ रहे हैं। आज देश में किसान लोग का जागरण हम लोग देख रहे हैं और आने वाले दिन में हमारा ये पूरा विश्वास है कि हमारे आने वाले देश में आने वाले दिन में हम लोग मजदूर किसान उत्पीड़ित जनजाति के लोग झंडे एक एक टाइप का होगा, किसी का हाथ में नीला झंडा रहेगा, किसी का हाथ में लाल झंडा रहेगा, लेकिन सब झंडा का सूर्य एक साथ में मिलेगा, ये भारत पर हमारी होगी, भारत पर जनता की होगी। यही आशा के साथ और आप लोगों के साथ हम लोग हैं, सारे भारतवर्ष का जो जनता को हमके एक इकट्ठा करना है, एक जगह में लाना है, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और आने वाले दिन में जो बीजेपी सोचता है आरएसएस सोचता है उतना आसान उसके लिए नहीं होगा, उसको चुनौती हम देंगे लड़ाई के मैदान पर, मैदान से लेकर के सदन तक ये चुनौती हम लोग उसको देते रहेंगे, ये बोल करके हम मेरा वक्तव्य खत्म करते हैं। जय हिंद, जय सलाम।